सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई कर रही है पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया पर लगा है सुशांत को उकसाने का आरोप। बता दें कि इसी के साथ अब सुशांत के करीबी दोस्त कुशाल जावेरी की 9 जून की उनसे बात हुई थी और इसी के साथ आपको बता दें कि दोनों ने किसी ई कॉमर्स कंपनी से टाइप के बारे में बात की थी। सुशांत सिंह ने इसके बाद कुशल को कहा था कि आगे उनके स्टाफर दीपेश इस जिले में बात करेंगे। अब दीपेश रावत की व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 14 जून की सुबह दीपेश ने कुशल को मैसेज किया था। ये वही दिन है जब सुशांत के साथ हादसा हुआ था। सुबह 10:51 पर दीपेश ने कुशल को मैसेज भेजा और लिखा, हाय सर, सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे आपसे नई कंपनी के नाम के बारे में बात करने के लिए कहा है। दीपेश सावंत की ये चैट कुछ अटपटी सी लग रही है क्योंकि जब सुबह सुशांत के हादसे की खबर सामने आई थी तब घर पर सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। सभी दरवाजा खटखटा रहे थे और एक्टर का कमरा लॉक था। कुशल ने दीपेश को करीब 2:30 रिप्लाई किया और पूछा कि भाई ठीक है या नहीं। कुशाल ने इससे पहले इंटरव्यू में बताया था कि वो संडे को दोपहर तक सो रहा था। इसके बाद कुशल ने दीपेश को 3 और मैसेज किए लेकिन तब तक सुशांत के हादसे की खबर सामने आ चुकी थी जहां पर चैट सामने आई है और इस चैट में लिखा है, पहले हाय सर, सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे आपसे नई कंपनी को लेकर बात करने के लिए कही है, जिसमें सामने से कुशाल का जवाब आता है, भाई इज सेफ नो, प्लीज रिप्लाई येस और नो, भाई वी आर आउटसाइड, लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प, भाई कोई हेल्प चाहिए तो फोन करना। तो ये वो मैसेजेस हैं जो दीपेश सावंत और कुशाल के बीच हुए थे। कुशाल वही है जो सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त है। अब सवाल ये है कि आखिर इस अटपटी चटपटी चैट का क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के हादसे की खबर सुबह उनके विकिपीडिया पर 9:00 अपडेट हो गई थी, 10:51 पर दीपेश बात कर रहा था, 9 तारीख को भी दीपेश ने इस चैट को लेकर बात की थी और इसी के साथ 10:51 पर भी दीपेश 14 जून को बात कर रहा था। तो दीपेश आखिर सुशांत के आए कमरे में कब गया और दीपेश ने ये सारी सच्चाई पहले पुलिस को क्यों नहीं बताई। अब सुशांत के केस में फिर से आ चुका है नया मोड़ और अब हो सकती है दीपेश सावंत से सीबीआई की पूछताछ। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।